ग्राम सभा मूलपुरी से प्रत्याशी ग्राम प्रधान के उम्मीदवार की खूबियों को देखते हुए ग्रामवासियों ने प्रधान प्रत्याशी को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना। उनके सामने दो उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया था, पर उम्मीदवार का स्वभाव देखते हुए सामने वाले प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी फैज आलम अंसारी ने ग्राम प्रधान पति प्रेम सिंह का मालाओं से स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही निर्विरोध चुने गए प्रधान पति ने कहा कि जितना लोगों ने अपना सहयोग अपना आशीर्वाद देकर उनकी पत्नी राजरानी को निर्विरोध प्रधान चुनकर जो उम्मीदें लगाई हैं, उन उम्मीदों पर 5 साल तक काम करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और हम सहमति से प्रधान बन चुके हैं। इससे पहले भी काफी लोग निर्विरोध चुने गए के लिए जो काम काफी पेंडिंग रह गए हैं, पिछले कुछ दिनों में नहीं हो पाए हैं, जैसे सड़कों का मामला, उसका मुद्दा उठाएंगे, और कुछ नालियां हैं अभी पेंडिंग में, वो काफ़ी करने हैं। तो स्कूल के काम भी रह गए हमारे गांव में, उसको भी करना है। तो काफ़ी योजना बना रखी है हमने, हर महीने में हर गांव में एक मीटिंग होगी, मीटिंग में इनकी समस्या सुनी जाएंगी और फिर उसका निवारण किया जाएगा। छोटे बड़े बंदे सब बुलाए जाएंगे उसमें, और सबके लिए सबकी समस्या सुन के उसके बाद में जो अपने अधिकारी उनको बुलाया जाएगा, ये समस्या है हमारे गाँव की, उनके सामने रखी जाएंगी और उनसे उनसे बात की जाएगी और उनके निवारण किए जाएंगे। आप प्रत्याशी हमारे सामने 3 लोग खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने समर्थन हमें दे दिया और उसके बाद में हमारे निर्णय एक ही पर्चा रह गया। मूदा बांधे क्षेत्र के गांव गणेश घाट में दो पक्षों में शनिवार की शाम को मारपीट हो गई थी, जिसके चलते एक पक्ष के तेजपाल की जान चली गई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के युवक भूरा ने रात के समय तेजपाल की हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ होगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहां के निवासी हो? वैसे मैं रहता हूं बिचपुरी गांव, ये मेरा सगा भाई है बब्बू। क्या नाम है इनका? बब्बू। सुनो, क्या है? छोटेलाल। क्या मामला हुआ आज? मामला 27 तारीख को मेरे भाई से और मेरे पिताजी से झगड़ा हुआ था, भूरा सनाब राम कुमार का, और उसके बाद मेरे भाई ने पिताजी ने रिपोर्ट दी पुलिस थाने में जाकर, तहरीर दी, और तहरीर देने के बाद दरोगा जी आए, आने के बाद उन्होंने कुछ अपना मैसेज मामला कर लिया, करने के बाद शाम को वो इन्होंने क्या मेरे पास भी फ़ोन करा कि तुमने तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे उन्होंने मेरी रिपोर्ट कर दी है, देखेंगे मुझे फांसी लगवा दोगे, मेरा कुछ नहीं निकल सकता। तो मैंने कहा चलो, वो तो मैंने कहा मैं होता तो बात की है, पता लगा जैसे त्रवा जी गए, उसके बाद फिर झगड़ा हुआ, इन्होंने मारा फिर मेरे भाई को, मारा पीटा, उसके बाद इतना मारा कि वो सुबह मृत्यु हालत में मिला है। झगड़ा कब हुआ था? कल हुआ था, 27 तारीख में झगड़ा हुआ, उसके बाद भी फिर पुलिस आई, फिर झगड़ा हुआ रात में शाम को इनके लड़के ने मेरे भाई को मारा। आपको कैसे मालूम पड़ा? मुझे गांव वालों ने बताया कि झगड़ा हुआ है, और मेरे पिताजी ने खुद बताया, मेरे पिताजी काफ़ी ओल्ड हैं, वो कुछ नहीं कह सके, तो उसकी वजह से पुलिस आ गई। यहाँ पर पुलिस अब आई, पुलिस ने कोई अग्रिम कार्रवाई की नहीं, कर ली अगर ऐसा होता तो ये मर्डर नहीं होता। ये अभी इनकी बब्बू हैं गणेश घाट गाँव के, इनकी डेड बॉडी मिली थी सुबह, इनके घर वालों ने अभी तहरीर दी है, वो PM करवा के जाँच होगी, उससे कन्फर्म होगा कि डेथ का कारण क्या है, तो उसके बाद ही पता लगेगा। कल कोई विवाद हुआ था आपस में? कल इनका इनके पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ था, और उसके रिगार्डिंग इन्होंने थाने में तहरीर भी दी थी, तो अब उसकी भी जांच करेंगे, PM के बाद कंफर्म होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद ही सारा कंफर्म हो पाएगा, अगर इसमें कॉज ऑफ डेथ से ही मुकदमा फिर दर्ज होगा उसके बाद। ठीक है। बाड़मेर जिले के ग्राम पंचायत डबोई में सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में व्यवस्थापक मांगीलाल पुनिया ने ऋण माफी योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला किया, तो डबोई ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर व SDM गुड़मलानी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इनसे ऋण के पैसे जमा करवा लिए गए, जबकि राजस्थान सरकार के द्वारा ऋण माफ कर दिया गया था, बैंक में ऑनलाइन ऋण माफ बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि व्यवस्थापक मांगीलाल पुनिया ने ऋण माफी योजना का गबन किया है। श्रीराम बारी सोसाइटी का गपला मांगीलाल मैनेजर, जिस लोगों को अनपढ़ लोगों को सोसाइटी गपला कह के 50,000 का खाता उनका लाख रुपए का खाता करके दिए, उनको पैसे 1 रुपया भी नहीं दिए, अंगूठा फर्जी करा के लेके आ गए उनके लिए, और जो ई मित्र वाले थे उनको दिया है, ई मित्र वाला को जो इसके BC उठे हुए जो ई मित्र वाला है वो अंगूठा धरा के अनपढ़ लोगों को छोड़ देता है और पैसे देते नहीं, ये समस्या है
डबोई पंचायत भी हमारा समिति हल करे। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने अपने ही साथी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम चिन्नू बताया जा रहा है। बता दें कि चिन्नू गुजरात लूट कांड में शामिल था। वहीं बताया जा रहा है कि जिन बाइक सवारों ने युवक को गोली मारी है, वो भी इस लूट कांड में शामिल थे। लूट की रकम को लेकर विवाद के चलते ये युवक को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक इलाके का शातिर बदमाश था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। इसमें एक चिन्नू नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र करीब 32 साल है। इसके जो दोस्त थे, जिनके साथ ये रहता था, शादाब और तौफीक को बता रहे हैं, किसी बात के लेकर इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें शादाब ने गोली मार दी है। ये डेथ कर गया है। इसका पीएम करा के और मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। ये जेल भी गया था इसमें एक अभी 3 साल पहले, और मारने वाले भी इसके दोस्त हैं, जो कि वो भी अभी मुश्किल से 2-3 दिन पहले जेल से आया है। तो पूरी हम लोग इसके विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। पीएम करवाने के बाद में मुकदमा लिखने पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी इनका तो जो कहना है इसके भाई का दल्लू की, इनकी लड़ाई झगड़ा जो इनके जो शादाब के परिजनों से करीब 4-5 साल पहले हुई थी, उसके बाद में ये बिल्लू जेल भी गया था एक व्यक्ति की आमिर के उसमें मृत्यु में, और पुनः इसके बाद आज इनकी लड़ाई झगड़ा हुई। तो आगे देखते रहे कि विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे, अभी तहरीर देंगे, उसी आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच जिला कार्यालय में आज भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन प्रस्तुत किया। सरोज सोनकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 282 से बलहा से प्रत्याशी हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्लास्टिक वेस्ट से बनने वाली सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे। नितिन गडकरी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, गाजियाबाद सांसद व केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री वीके सिंह भी मौजूद थे। अनेकों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद के यूपी गेट पर फूल मालाओं से नितिन गडकरी का स्वागत किया। यूपी के योगी राज में बुलंदशहर पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन जारी है। बुलंदशहर में खुर्जा व सिकंदराबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें खुर्जा में 20,000 रुपए का इनामी बदमाश तो वहीं सिकंदराबाद में शातिर लुटेरा पकड़ा गया है, जो दोनों के ही पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाशों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाशों के कब्जे से 2 बाइक, 1 पिस्टल, 1 तमंचा और कई जिंदा कारतूस व खोखा बरामद किए गए हैं। थाना खुर्जा नगर पुलिस जनपद बुलंदशहर के द्वारा आज रात मुठभेड़ में एक अभियुक्त, जिसमें 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, गिरफ्तार किया गया और क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है। उल्लेखनीय है कि अब शातिर किस्म का पशु चोर है, और वर्ष 2018 के 3 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। लगभग 1.5 वर्षों से ये वांछित था, और इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास किए जा रहे थे। नाम इसका लोकेश पुत्र राजेंद्र उर्फ सुल्ला उर्फ सुलेमान है। यह गभाना जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। इसके दूसरा साथी, जिसको वाहन लेकर के पशु चोरी के इरादे से वहाँ आना था, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।